रखिए ना घर का उगा एकदम ताजा, देखिए कैसे भका भक नाखून घुस। अरे हिंदी फकौली बाजार जाऊँ वहाँ से ले आऊँ। फकौली बाजार में ऐसा ताजा लौकी कहाँ मिलेगा, रखिए ना भाई रखिए। अरे रख लीजिए, पैसा बचबे ना करेगा, लजा रहे हैं। देखो पहला लजा नहीं रहा, आप लजा रहे, रखिए। हाँ रख लीजिए। सचिव जी, सब वार्ड मेंबर आ गए हैं, मीटिंग शुरू ही करते हैं। चले वो हमारे वाला कुर्सी लगा दिए हो ना, सवेरे से आया हुआ, अभी एक कुर्सी नहीं लगा देते। थोड़ा ध्यान से चलिए, चल जल्दी कर। ध्यान से चले, आइए चलिए बैठ। हाँ जी, आपने जिंदगी कही। हाँ सचिव जी, नया कुर्सी। हाँ वो प्लास्टिक की चेयर में दिक्कत होती है देर तक बैठने में, फिर पढ़ना वढ़ना भी रहता है। बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक, चक्का भी लगा है। पता नहीं जी, आपका वाला कुर्सी में तो चक्का नहीं है ना, है? कमलेश पन्नी फाड़ दे। अरे पन्नी मत हटाना उसको। क्या मतलब पन्नी मत फाड़ना, दिक्कत हो रही है बैठने में। क्या दिक्कत हो रहा है फिर, वही बात। अरे आवाज कर रहा है चर 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 वो। अरे क्या हो गया, चर चर कर रहा है तो। पन्नी मत फाड़, उसका समझ में नहीं आ रहा कोई बात बोल रहा तुझे। परेशान कर रखा है, बारात का सामान नहीं है, पर्सनल सामान है। फाड़ना ही तो दहेज में जो मिल रहा है उसकी पन्नी हटाना। क्या 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 बोल के गया ये? ऐस होल बोला है कुछ मोबाइल में, मतलब दे। क्या क्या ऐस होल मतलब गांड का छेद। पापा को बुलाओ। चलो 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 बेटा, ठीक है ना, खुश है। चलो जी, अब द्वार पूजा का समय। प्रभुनाथ जी चलिए, अब चलिए ठीक है, चलते हैं। एक मिनट पापा, हम जाएंगे लेकिन हमको इनका वो चक्का वाला कुल्फी भी चाहिए। सचिव जी, अब दूल्हे को आप ही रुलाए थे ना, मनाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। और लाज जी, मुझे बाजार जाके फिर से नई कुर्सी लानी पड़ेगी। अरे सचिव जी, हम इतना कठोर नहीं हैं, आपको नया कुर्सी नहीं खरीदना पड़ेगा। आप हमारा कुर्सी ले लीजिए, बहुत बढ़िया गद्दा है उसमें भी। प्रधान जी, अरे आप हमारा कुर्सी ले रहे हैं। प्रधान जी, फिर आप कहाँ बैठोगे? हम कहाँ बैठेंगे? अरे आप उनकी चिंता मत करिए, प्रधान जी अपने नई कुर्सी ले लेंगे। बहुत पैसा है इनके पास, 150 बीघा खेत है, गैया है, बताइए। हाँ ठीक है ना सचिव जी, चलिए मामला खत्म। कुर्सी का जमाना होता है, जब घर आती है तो सर के ऊपर आती है, उसके बाद फिर अपने ऊपर बिठाती है, नहीं तो जान ले लेती है। देखो सचिव जी, ठंडी बियर मिल रही है, आइए। अरे ये ससुर क्या कर रहा है यहाँ सचिव? सर
ये तो बिल्कुल आपके जैसा कुर्सी लाए हैं, नहीं मीट गए यार।